सभी को जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। अगर आपने अभी तक केरला स्टोरी फिल्म नहीं देखी है तो फिल्म जरूर देखिए दोस्तों, क्योंकि ये एक फिल्म ही नहीं है, ये एक शिक्षा भी है दोस्तों। तो आपकी फिल्म आपको ये जरूर देखनी चाहिए दोस्तों। केरला स्टोरी जब मैं देख रहा था तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं काफ़ी भावुक हो गया ये फिल्म देखते हुए दोस्तों। मैं ये सोच रहा था कि जिसके जिन लोगों के ऊपर बीती है उस समय उनके ऊपर क्या ये बीत रहा होगा, उनके ऊपर क्या बीत रही होगी दोस्तों। केरला स्टोरी शुरू होती है एक अच्छे संगीत के साथ और संगीत काफ़ी अच्छा है और शुरू होता है तो शालिनी उत्तरकृष्णन से फातिमा बनने तक की कहानी दोस्तों इस फिल्म में दिखाई जाती है। फिल्म शुरू होती है एक संगीत से और शालिनी उत्तरकृष्णन जो होती है अपना कॉलेज पूरा करके वो मेडिकल में कॉलेज में एडमिशन लेती, वहाँ तीन लड़कियाँ होती हैं और वहीं से कहानी की शुरुआत होती है। कैसे शालिनी उत्तरकृष्णन फातिमा बनी, किस तरह से उसका धर्म परिवर्तन कराया गया और किस तरह से उसे आतंकवाद के रास्ते पे झोंक दिया गया, उसके ना चाहते हुए भी उसे आतंकवाद के रास्ते पे ले जाया गया दोस्तों। जब आप ये फिल्म देखेंगे तो आपको भी ज़रूर दोस्तों ये फिल्म देखकर आप भी भावुक हो जाएंगे और आप भी कहीं ना कहीं आप भी की माइंड मीटिंग भी एक आपका दिमाग भी एक जरूर गुस्सा कहीं ना कहीं होगा दोस्तों। तो ये फिल्म आप ज़रूर देखिए दोस्तों। और इस फिल्म को कहा जा रहा है कि ये प्रोपोगेंडा फैलाया जा रहा है, तो प्रोपोगेंडा कुछ नहीं है दोस्तों। कई राज्यों में ये फिल्म को बैन भी कर दिया गया और कई राज्यों में टैक्स फ्री भी की गई इस फिल्म को लेकर। लेकिन आज के डेट पे फिल्म बैन करना कोई मतलब नहीं कि दोस्तों, आज लोग चाहे तो मूवी को देख सकते हैं आराम से। और अगर फिल्म की कलेक्शन की बात की जाए तो फिल्म का ओपनिंग डे काफ़ी अच्छा रहा, 8 करोड़ रुपए लगभग फिल्म का कलेक्शन रहा पहले दिन दोस्तों। दूसरे दिन 11 करोड़, फिर 16 करोड़, फिर 11 करोड़, फिर 12 करोड़, फिर 13 करोड़। इस तरह से इस फिल्म ने अभी तक 7 दिनों में 80 करोड़ रुपए फिल्म ने कमा लिए हैं दोस्तों। तो फिल्म काफ़ी दर्शकों ने फिल्म को प्यार दिया, काफ़ी लोगों ने फिल्म को सपोर्ट किया और खबर अब ये भी आ रही है कि फिल्म को 12 देशों में भी रिलीज करने की तैयारी चल रही है। फिलहाल अभी किन किन देशों में रिलीज करने की तैयारी चल रही है उसके बारे में जानकारी बाद में आपको देंगे, जैसा ही हमें पता चलेगा। तो फिल्म आप जरूर देखिए द केरला स्टोरी, क्योंकि ये एक फिल्म नहीं, ये एक शिक्षा है। तब तक के लिए जय हिंद।